बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गर्ड, GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज और डिसऑर्डर। बेसिकली जिस वक्त स्टमक आप डाइट इनटेक करते हैं तो एक प्रोसीजर होता है आपका कि ऑरल कैविटी से स्टमक में आपकी डाइट जाती है एक रूटीन प्रोसीजर के अंदर और देन आगे इंटेस्टाइन की तरफ मूव करती है। तो जिस वक्त आप डाइट लेने के बाद अगर आपकी डाइट आपको एसिडिज वापस ऑरल कैविटी की तरफ एसोफेगस की तरफ ट्रांसफर होने लग जाए तो उसको हम इस डिजीज के नाम से गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के नाम से याद रखते हैं। इसमें बेसिकली हमारे एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर या कार्डिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। तो जिन पेशेंट्स के अंदर ये तकलीफ होती है, एक तो वहाँ पर उन्हें पेन की कैफियत महसूस होती है, दूसरा एसिडिटी, हार्ट बर्न, चेस्ट में पेन। चेस्ट में जनरली हमारे पास पेशेंट आता है और वो उसने हार्ट के ऊपर अपने हाथ रखा हुआ था, कहता जी मुझे दर्द हो रहा है, तो हमारे जहन में आता है कि शायद ये को हार्ट पेशेंट है। तो उसमें बड़ा स्पेसिफिकली है कि पेशेंट से कहेंगे जी फिंगर पॉइंट से बताए कि दर्द किस जगह पे है। तो जनरली जो हमारे गैस्ट्रिक के पेशेंट होते हैं वो उंगली से जगह आपको इंडिकेट कर देते हैं कि मेरे इस जगह पे दर्द हो रहा है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट होता है वो कंप्लीट हाथ रख के ही बताता है। तो जब ये गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है इसमें भी चेस्ट में इसी तरह का पेन पाया जाता है जो कि लेफ्ट राइट दोनों साइड पे हो सकता है, लेकिन लेफ्ट चूंकि हार्ट होता है और ज़रा सेंसिटिव होता है हर इंसान उस मामले में, तो ये उसको थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। उसके अलावा एसिडिटी पाई जाती है, सेलिवेशन पाई जा सकती है, बैड ऑडर, मुंह का जायका गंदा, स्मेल आना, सांस के अंदर बदबूदार सांस का आना, मुंह के अंदर सलिवेशन का आना, ये वो जनरल अलामत हैं जो इसके अंदर हमें पाई जाती हैं। और इसकी वजूहात क्या होती हैं? वजूहात सबसे पहले इसके अंदर एक तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, क्योंकि जिस वक्त कब्ज होती है तो पूरा GIT आपका डिस्टर्ब होता है। सेकेंडली हमारा जो डेली रूटीन है, हमारी रूटीन के अंदर जो हमारी डाइट्स हैं, जो लोग ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, जो लोग बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, वाटर इनटेक जिनका कम है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनकी रूटीन में बहुत ज़्यादा होती हैं, और इन सब के साथ उनकी एक्सरसाइज नहीं होती, ज़्यादातर उनका बैठने का काम, कहीं पे भी जाना है उन्होंने उसके लिए कन्वेंस का इस्तेमाल करना है, बाइक गाड़ी इस तरह की कन्वेंस का इस्तेमाल करेंगे उन लोगों में, या जिन लोगों का नेचर ऑफ जॉब भी बैठने का है वो भी बैठे रहते हैं और उसके बाद कोई एक्सरसाइज और इस तरह के मामलात नहीं करते। फिर अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल पीते हैं लोग ज़्यादा, टोबैको सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो स्टमक डिसऑर्डर पैदा करती हैं, वो तमाम वजूहात इसकी वजूहात के अंदर आती हैं। इसको मैनेज करने के लिए और एक बहुत बड़ी वजह इसकी स्ट्रेस, स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा हमारा जो बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट होता है नर्वस सिस्टम के बाद वो हमारा स्टमक है, तो वो इसकी एक बड़ी जो वजूहात में से वजह बनती है। और इसको अगर हमने मैनेज करना हो तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमने डाइट मॉडिफिकेशन, कि हम अपनी डाइट के अंदर जो हमारी डेली रूटीन डाइट है उसे हम न्यूट्रलाइज करें। अगर गोश्त है तो ये नहीं कि पूरा वीक हमने गोश्त ही खाना है, मिर्चें, तेज़ मिर्च मसालों को, बाहर की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट, ये फास्ट फूड आइटम, या जिस तरह एक होटलिंग का ट्रेंड बन गया हुआ है कि वो होटल्स और इन चीज़ों को, इनको थोड़ा सा चेंज, लाइफ के अंदर अपनी एक्सरसाइज की वैल्यूज़ को समझना पड़ेगा हमें, एक्सरसाइज कंपलसरी करनी पड़ेगी, वाटर इनटेक प्रॉपर रखना पड़ेगा, फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल को प्रमोट करेंगे हम अपनी लाइफ में। फिर अगर कोई कॉजेशन, जिस तरह कुछ मखसूस वजूहत, जैसे कुछ मेडिसन्स होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट में ये डिजीज़ होती है, तो उन मेडिसन्स को हमने देखना है, तो उन चीज़ों को, दूध को प्रमोट करना है अपनी लाइफ में, हमने उन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये एहतियात अगर हम चीज़ें अपनी मैनेज कर लें तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ हो, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ होता क्या है कि कोई भी चीज़ होती है हम डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं, जिस तरह स्कूल में होता है तो हम टीचर्स के ऊपर डाल देते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं बच्चों के हवाले से, जी हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती,
उनसे पूछें जी आपका बच्चा बाहर की चीज़ें वो वहाँ पर गिनवाता है कि हाँ जी चिप्स जूस ये वो खाता है, ये सब खाता है। तो वो मैं तो अमूमन उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर बच्चे की नहीं आप लोगों की गलती है कि जब आप उसे बिफोर मील इस तरह की चीज़ें उसे खिला देंगे तो उसने खाना कहाँ पर खाना है। तो वो ये वो प्रिवेंशन होती है इसी तरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिस तरह तो अल्कोहलिज्म का आया कि इसके फैक्टर्स के अंदर आया तो अल्कोहल को क्विट करना है, स्मोकिंग का आ रहा है उसको क्विट करना है, चाय बहुत ज़्यादा पीना बाज़ लोगों में होता है। तो हमने इन चीज़ों की एहतियात और इन चीज़ों को जब मैनेज करेंगे फिर हम किसी भी फॉर्म किसी भी वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर जाएंगे। जितने भी मुख्तलिफ तरीका है इलाज है सब के अंदर ऑब्वियसली शिफा अल्लाह पाक ने रखी हुई है, तो वो इलाज तभी किसी से भी मुमकिन होगा। वरना यूं ही होगा कि जिस तरह कुछ सिस्टम के अंदर है हमें अक्सर कहा जाता है कि जी कोई मैप्राजोल खा रहा है तो वो सारी उम्र मैप्राजोल खा रहा है, वो खाली कोई मैप्राजोल या किसी चीज़ का अमल दखल नहीं होता, उसके अंदर आपका अपना अमल दखल होता है। आप खुद कितने एहतियात कर रहे हैं, कितना परहेज कर रहे हैं, कितना मैनेज कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट बहुत कंपल्सरी होती है। अब आते हैं हम इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट की तरफ। तो होम्योपैथिक के अंदर जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया गया कि होम्योपैथिक में एक तो कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती, सिम्टम्स के ऊपर टोटैलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर जिसके अंदर कॉजिशन मियाजमेटिक बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन साख्त पेशेंट की मेंटल सिम्टम्स ये तमाम चीज़ें वजूहात कॉजिशन जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्स इनको देखने के बाद रेमेडी सिलेक्ट की जाती है। तो जो भी हमारी चैनल के थ्रू वीडियोस के अंदर रेमेडीज बताई जाती हैं वो कोई अद्वियात हतमी नहीं होती, हतमी दो आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने रिकमेंड करनी है आपको। यहाँ पर सिर्फ वो जो ज़रा ज़्यादा यूज़ होने वाली इम्पोर्टेंट अद्वियात उनको बताया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि होम्योपैथिक में यस होम्योपैथी कैन बी ट्रीटेड, होम्योपैथी में इजीली ट्रीटेबल है, होम्योपैथी में आसानी से ये हल हो सकते हैं ये मसाइल आपके। तो उसी हवाले से जो अहम अद्वियात हैं हमारे होम्योपैथिक के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास नख स्वामी का एक बड़ी दवा के तौर पे है। नख स्वामी का के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहती है, इसका पेशेंट गुस्से वाला होता है, गोश्त खोर होता है, गोश्त ज़्यादा खाता है, मिर्चें ज़्यादा खाता है, और जनरली उसका नेचर ऑफ वर्क बैठने का काम उसका ज़्यादा होता है। जैसे ड्राइवर हजरात हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, ऑफिस वर्क वाले लोग हो गए, जो लोग बैठ के ज़्यादा काम करते हैं उन लोगों के अंदर नख स्वामी का हमारी एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी के तौर पे नेट्रोफॉस दूसरी हमारी दवा है, एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि पेशेंट को खट्टे डकार सोर इरेक्टेशंस आते हैं, जुबान उसकी पीली होती है पेशेंट की, पेशेंट का जनरली स्टमिक के साथ पैंक्रियाज भी किसी हद तक इन्वॉल्व होता है, और पेशेंट के गैस जो है वो ज़्यादा पाई जाती है पेशेंट के अंदर जिसकी वजह से उसको ये इरेक्टेशंस बार बार आती हैं, वहाँ पे नेट्रम्फॉस हमारी एक इफेक्टिव रेमेडी है। पल्सेटिला नाइग्रा हमारी एक बड़ी रेमेडी के तौर पे है। जनरली हमारे यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर कहा जाता है कि नक्स मर्दों की और पल्सेटिला खवातीन की दवाई है, जबकि ऐसा नहीं है जिसमें जिसकी सिम्टम्स पाई जाएँ, क्योंकि अब तो मर्दों और औरतों की सिम्टम्स मिक्स हो गई हुई हैं, जो काम मर्द करते थे वो काफ़ी सारे खवातीन कर रही हैं और जो खवातीन करती थी वो मर्द कर रहे हैं। तो पल्सेटिला नाइग्रा की स्पेसिफिकेशन ये कि इसके पेशेंट को खुली हवा में रिलीफ मिलता है, बंद कमरे में उसको घबराहट होती है, प्यास नहीं होती पेशेंट के अंदर, पेशेंट के अंदर जो अल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी अगर इसके पेन है तो वो भी वॉन्डरिंग है, इसके पेशेंट को एक टाइम पे कॉन्स्टिपेशन है तो एक टाइम पे इसके पेशेंट को डायरिया हुआ होता है, पेशेंट के अंदर टेंडेंसी होती है बेकरी प्रोडक्ट्स की, ऑयली फैट की चीज़ें ज़्यादा खाने की। तो जो लोग इस तरह के हैं उनके अंदर गर्ड की सिम्टम्स पाए जाएँ तो वहाँ पर पल्सेटिला नाइग्रा एक हमारी बड़ी दवा के तौर पर है। उसके बाद आर्सेनिक अमलबम एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, पेशेंट को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, प्यास घूंट घूंट पानी बार बार वो पीता है पेशेंट उसका, और वो भी ठंडा पानी घूंट घूंट पीता है, जलन बर्निंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है, पेशेंट बेचैन बहुत ज़्यादा होता है, और गर्म कमरे में गर्म जगह पर पेशेंट को रिलीफ मिलता है इसके, जिस तरह पल्सेटिला के पेशेंट को ओपन एयर के अंदर रिलीफ मिलता है। उसके बाद इपिकाक आना, एक इपिकाक हमारी जहाँ पे भी इपिकाक का जिक्र आता है वहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक एक वर्ड नौजिया मतली, मतली इसके पेशेंट को मतली की कैफियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो किसी भी डिजीज़ के अंदर किसी भी उसके अंदर पेशेंट को जहाँ पे मतली मिलेगी तो वहाँ पर इपिकाक हमारी एक फर्स्ट अप्रोच की रेमेडी पाई जाएगी। उसके बाद कार्बोवेज, कार्बोवेज हमारी एक बड़ी दवा है, जनरली इसका पेशेंट वीक एमिसिएटेड होता है, पंखे की हवा की उसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि पंखे की हवा में वो अपने आप को रिलीफ
फील करता है पेशेंट में, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डाइजेशन उसकी बहुत ज़्यादा वीक होती है, वहाँ पर हमारे पास कार्बोवेच एक बड़ी दवा के तौर पे है। सल्फर, सल्फर के पेशेंट के अंदर जलन एक बड़ी स्पेसिफिक सिम्टम है, आर्सेनिक अमलबम में भी और सल्फर में भी। फ़र्क क्या है, आर्सेनिक का पेशेंट साफ सुथरा होता है, सल्फर के पेशेंट को नहाने धोने से, पानी से उसकी तमाम तकालीफ बढ़ जाती हैं। अल्ट्रेशन सल्फर में भी पल्सेटिला की तरह पाई जाती है, कि जिस तरह पल्सेटिला में कभी कब्ज और कभी डायरिया होता है, इसी तरह सल्फर के पेशेंट के अंदर भी कब्ज और डायरिया की अलामत पाई जाती हैं। सुबह के टाइम पे इसकी अलामत बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मल्टीपल रेमेडीज़ हैं हमारी, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लाइकोपोडियम, चाइना, जो सब स्टमिक के ऊपर और बहुत सी अद्वियात हैं जो स्टमिक के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो मुस्तनद दवा आपकी जो मेडिसिन आपने अपनी प्रेस्क्राइब करवानी है, वो आपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से रिकमेंड करवानी है। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.